आज तक आपने फर्जीवाड़ा का कई रूप देखे होंगे, लेकिन आज जिस फर्जीवाड़े के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, अभी तक आपने फर्जी मार्कशीट सुने होंगे, फर्जी एडमिट कार्ड सुना होगा, फर्जी बैंक के कई दस्तावेज या जमीन के फर्जीवाड़े का नाम ज़रूर सुना होगा, कागज भी आपने कई ज़मीन के फर्जीवाड़े देखे भी होंगे। लेकिन हम जिस फर्जीवाड़े का बात करने जा रहे हैं, वो हाल के दिनों में एक वैश्विक महामारी कोरोना की बात कर रहे हैं। जी हाँ, अब फर्जीवाड़ा इसमें भी हो गया है। कोरोना की आरटीपीसीआर जांच, अब फर्जी रिपोर्ट भी दिए जा रहे हैं, जिससे आप कहीं भी यात्रा करने में आपको समस्या नहीं हो सकता। लेकिन इसका बड़ा खुलासा पटना के डीएम ने किया। जी हाँ, कई महीनों से ये सूचनाएं मिल रही थी पटना एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा कि फर्जी आरटीपीसीआर का रिपोर्ट बनाकर लोग यात्रा कर रहे हैं पटना से, जिसका खुलासा आज पटना के डीएम ने कर दिया, जिसमें चार लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। मामला पटना के राजा बाजार इलाके का है, जहां एक निजी जांच घर का प्लाज्मा डायग्नोस्टिक्स जांच घर का है, जहां एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। ये कई महीनों से जांच किए जा रहा था और लोगों को फर्जी रिपोर्ट कोरोना की आरटीपीसीआर का दिया जा रहा था, जिससे लोग पटना से कई जगहों पर यात्रा भी कर चुके हैं। पटना डीएम को, यानी पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह को ये सूचना मिली, जिसके बाद उन्होंने शास्त्री नगर थाने को ये सूचना देकर आज ही सुबह छापेमारी की गई, जिसमें उस दुकान को पूरी तरीके से, जांच केंद्र को सील कर दिया गया और उसमें चार लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। वहीं सिविल सर्जन जो पटना की हैं विभा सिंह, उनसे बातचीत में पत्रकारों ने, उन्होंने कई खुलासे किए हैं और क्या कुछ जानकारियां दी हैं इस मामले पर, वो हम आपको विस्तार से सुनाते हैं। क्या कुछ कह रही हैं, ज़रा उनके बयानों को सुनिए कि किस तरीके से फर्जीवाड़ा का रिपोर्ट सामने आया। देखिए, कल मुझे सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ से खबर आया था कि एयरपोर्ट डायरेक्टर के द्वारा जिला पदाधिकारी को खबर दिया गया कि आरटीपीसीआर के नकली रिपोर्ट दिया जा रहा है। एक डायग्नोस्टिक है प्लाज्मा डायग्नोस्टिक द्वारा, जो 83 नंबर पिलर के ऑपोजिट में है। आप उनके द्वारा मुझे ये भी कहा गया कि एक टीम भेजना है। तब हमने मेडिकल टीम, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक टीम भेजा गया वहाँ पर। वहाँ पर उन लोगों को के द्वारा बताया गया कि कुछ पैथोलॉजिकल लैब्स का, अलग अलग लैब्स का उनके पास उसके यहाँ पर रसीद मिला, और उसके यहाँ कोई लैब टाइप का कुछ नहीं था। संग्रहण भी करने का कुछ भी व्यवस्था वहाँ नहीं थी। कोई चश्मा के दुकान का ही कोई पार्ट था उसमें। तो वहाँ जा कर के उन लोगों ने जब ये चीज़ को देखा, तो उसके बाद मुझसे बात हुई, तो मैंने कहा कि FIR लॉन्च कर दीजिए। तो FIR किया गया उसके अगेंस्ट में। बाकी प्रक्रिया जिला पदाधिकारी के, जो न्यायाचार पदाधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट गए थे, उन लोगों के द्वारा और कार्रवाई की गई होगी, जिसकी सूचना हमें नहीं दी गई। रहा कि हमने तो FIR किया है, अब आगे तो पुलिस कार्रवाई करेगी, क्योंकि वो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड में नहीं है, इसमें क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट में रजिस्टर्ड नहीं है। हाँ, अभी तो कल ये पता ही चला है, उन्हें भी इस घेरा में लिया जाएगा कि कैसे उनका वहाँ पर पहुँचा, इसकी भी जांच की जाएगी। तो आपने सुना कि उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि कई महीनों से ये जांच चल रहे थे और फर्जी रिपोर्ट देकर लोगों को यात्रा भी कराया जा रहा था, जिसमें चार लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। अब आगे भी खुलासे किए जाएंगे और एक फर्जीवाड़ा का, कोरोना के आरटीपीसीआर जांच करने वाले फर्जीवाड़ा का बड़ा खुलासा भी सामने आएगा। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप बने रहें दस डी न्यूज़ के साथ, और देखते रहें दस डी न्यूज़।